नगर पंचायत पिपराइच द्वारा आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कस्बे में रैली निकाली गई, जिसमें नगर पंचायत के सभी सफाई कर्मी एवं अधिशासी अधिकारी सहित नगर पंचायत अध्यक्ष एवं जिले से आई हुई डीपीएम पूजा राय स्वच्छ भारत मिशन रैली में उपस्थित रही तथा नगर पंचायत पिपराइच के सभी वार्ड सभासद रैली में शामिल हुए। रैली नगर पंचायत से निकलकर थाना रोड होते हुए पिपराइच चुंगी चौराहे पर पहुंचकर सिधावल चौक से वापस नगर पंचायत कार्यालय पर समाप्त हुआ। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा रैली में उपस्थित डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर पूजा राय ने कहा कि नगर में स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चलाया जा रहा है। कस्बे में रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि सड़क पर कूड़ा ना फेंकें, सूखा एवं गीला कूड़ा अलग अलग रखें तथा सभी प्रकार के कूड़ा कचरा नगर पंचायत के कचरे की गाड़ी में ही डालें। पॉलिथीन के संबंध में उन्होंने कहा कि नगर में सख्ती से चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और जो लोग खुले में शौच कर रहे उन पर भी लगाम लगाया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए कि गंदगी ना फैलाए, सड़क पे कूड़ा ना फेंके, घर से ही गीला सूखा कूड़ा अलग अलग करके दें, लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई है। पॉलीथीन बैन हो चुकी है, अभी भी अब एक दो दिन में छापेमारी की तैयारी हो रही है, पॉलीथीन पे छापेमारी भी होगी। और दूसरी चीज़, जो खुले में शौच मुक्त है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी कई कुछ लोग खुले में शौच करने जा रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए भी एक तरीके से ये जागरूक करने के लिए रैली है, लगातार छापेमारी की जाएगी। अवधनामा में शायद मजामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.avadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।